पियानो सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे लो बजट में अच्छे क्वालिटी में रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना हो, या तो आप मोबाइल से करते हो, उसमें बहुत सारी नॉइस आती है। इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करने के समय कोई बाहर से गाड़ी जा रहा है, उसकी आवाज़ या कुछ भी नॉइस आ जाती है, तो हम डायरेक्ट केबल और कंप्यूटर की मदद से हम इंस्ट्रूमेंट को एकदम हाई क्वालिटी पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो इंटरफेस मार्केट पे अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो प्राइस होती है वो होती है 10,000, मतलब 10,000 से अच्छी वाली ऑडियो इंटरफेस स्टार्ट होती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा सबसे लो बजट में हम हाई क्वालिटी की कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, कीबोर्ड, पियानो, वायलिन, ये सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सस्ती बजट में अच्छी क्वालिटी पर रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें 5 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले है कंप्यूटर, पीसी या डेस्कटॉप या लैपटॉप। लैपटॉप के बाद दूसरे नंबर पे हमें ज़रूरत पड़ेगी ये ऑडियो केबल। ये ऑडियो केबल है ऑडियो जैक, जिसमें एक तरफ 6.35 mm की ये जैक है और दूसरी तरफ है 3.5 mm की जैक, जो सिंपल मोबाइल पर लगती है। ये केबल होना ज़रूरी है, जो एक तरफ ये इंस्ट्रूमेंट पे लगेगी और ये एक तरफ है ये जो कंप्यूटर के माइक्रोफोन वाले प्लग पर लगेगी। तो ये सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ चाहिए आपको ये USB साउंड अडाप्टर। ये मेरे पास टेराबाइट का है USB साउंड अडाप्टर, इसकी क्वालिटी ठीक है, तो हम खोल के दिखाते हैं। ये देखिए, यह है टेराबाइट का USB अडाप्टर। इसमें एक तरफ है माइक्रोफोन का पिन और एक तरफ है जो हम हेडफोन यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट मॉनिटरिंग, मतलब जो हम कीबोर्ड पे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पर प्ले करते हैं वो हमको डायरेक्ट अपने हेडफोन में लाइव सुनाई देगा। उसके लिए ये एक तरफ है हेडफोन का और एक तरफ है माइक्रोफोन और एक तरफ है USB पोर्ट, जो सिंपल कंप्यूटर के USB पोर्ट पे कनेक्ट होगा। उसके बाद फोर्थ चीज़ है ये हेडफोन या ईयरफोन, आप जो भी ले सकते हैं। ये हमें काम आएगा जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे, तो वो प्ले करते टाइम वो कीबोर्ड या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर आवाज़ नहीं आएगा, उसको डायरेक्ट लाइव सुनने के लिए हम ये हेडफोन यूज़ करेंगे। और जो पांचवी चीज़ है वो है कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करने की सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पे कुछ फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, जैसे ऑडेसिटी है और एडोबे ऑडिशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, रिकॉर्डिंग करने में हमको बजट कितना पड़ रहा है, ये सबसे पहले लैपटॉप या डेस्कटॉप आप लेंगे उसका प्रोसेसर अच्छा रहना चाहिए, मिनिमम उस पर 4 GB रैम होना चाहिए और प्रोसेसर वो i3 के ऊपर होना चाहिए। आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ जो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेसर अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा नहीं रहने से हमको लेटेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेटेंसी मतलब जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जैसे हम कुछ भी एक बटन, जैसे कीबोर्ड का ही लेते हैं, हम एक बटन दबाया लेकिन उसका आवाज़ कुछ एक सेकंड के बाद हमको हमने हमारे हेडफोन या डायरेक्ट कंप्यूटर या बॉक्स पे हमें सुनाई देते हैं। तो वो लेटेंसी कम करने के लिए हमें सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोसेसर और मिनिमम 4 GB रैम तो होना ही चाहिए, जिससे लेटेंसी ना हो और हमें डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ लाइव सुनाई दे। तो आप अगर डेस्कटॉप लेते हैं तो सिंपल 20,000 का डेस्कटॉप आ जाएगा, और लैपटॉप अगर अच्छे प्रोसेसर का लेते हैं तो 30,000 से 40,000 तक आ जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप पहले से है, लैपटॉप या डेस्कटॉप पहले से है, तो आप इसका पैसा आप बचा सकते हैं। उसके बाद ये है केबल। ये केबल आपको सिंपल मार्केट या ऑनलाइन पे 100 रुपये तक के मिल जाएगा, तो इसे आप ले सकते हैं। अब ये है टेराबाइट का ऑडियो अडाप्टर, ये मुझे 100 रुपये का पड़ा है। अब इसका यूज़ सिर्फ लैपटॉप में है। अगर आप डेस्कटॉप में आपके पास CPU है, तो आपके CPU के पीछे में ये 2 प्लग पहले से दिए होते हैं, एक माइक्रोफोन का और एक हेडफोन लगाने का पहले से दिया होता है ये दोनों। तो आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो इसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आजकल के लैपटॉप में सिर्फ एक ऑडियो जैक दिया होता है, जिसमें माइक्रोफोन और हेडफोन दोनों कॉम्बो यूज़ होते हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये लीजिए, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये हेडफोन अच्छी क्वालिटी की ही होनी चाहिए, या आप सैमसंग, HP कुछ भी ले सकते हैं हेडफोन। अगर हेडफोन आपके अच्छी क्वालिटी की है तो आपको लेटेंसी आपके पास सुनाई नहीं देगी, क्योंकि लेटेंसी इस पर डिपेंड करती है।
तो आपको लाइव अगर सुनना है, आप जो भी प्ले कर रहे हैं, तो ये हेडफोन अच्छी क्वालिटी के लिए, ये है मेरा 750 रुपये का। तो आप ऐसे अच्छी कंपनी की हेडफोन ले सकते हैं। इसके बाद चलो देखते हैं प्रोसेस की, हम इस सभी को कनेक्ट करके इंस्ट्रूमेंट को कैसे लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर पर जाना होगा। तो दोस्तों हम लैपटॉप पे आ चुके हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी रिकॉर्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप कोई ब्राउज़र पे जाइए और उस पर गूगल पे जाइए और यहाँ टाइप कीजिए ऑडेसिटी। ऑडेसिटी टाइप करने के बाद ये ऑडेसिटी की ओरिजिनल वेबसाइट यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगी। इसे आप क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए, ऑडेसिटी फॉर विंडोज़, ऑडेसिटी फॉर मैक ओएक्स एंड ऑडेसिटी फॉर लिनक्स। तो अगर आपके पास विंडो कंप्यूटर है तो यहाँ विंडो पे क्लिक कर लीजिए, और आपके पास मैक या लिनक्स है तो उसकी सॉफ्टवेयर आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे विंडोज़ है, तो यहाँ मैं ऑडेसिटी फॉर विंडोज़ पे कनेक्ट डाउनलोड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए ऑडेसिटी 2.2.2 इंस्टॉलर, ये सेटअप है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। और यहाँ डाउनलोड ऑडेसिटी पे क्लिक करके सेटअप डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर की कनेक्टिविटी। तो देखिए, अगर आपके पास बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये 6.35 mm से कम पतली वाली जो जैक है उस पर लेटेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके पास ऐसा कीबोर्ड है जिसमें ये पिन, ऐसे बड़े पिन 6.3 mm के जो प्लग्स है वो दिए हुए हैं, तो आपको लेटेंसी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले रिकॉर्ड करने के लिए जो जो ऑडियो केबल है, ये 6.3 mm के जो प्लग है उसको हम यहाँ फोन्स एंड ऑडियो आउटपुट पे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट में आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप लैपटॉप अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑडियो अडाप्टर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो वो जो केबल को इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट किया है उसको आप सीधा माइक्रोफोन पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये ऑडियो अडाप्टर को USB के थ्रू यहाँ USB पोर्ट पे कंप्यूटर पर कनेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो केबल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट हुआ है 6.35 mm, उसका दूसरे तरफ जो 3.5 mm जो मोबाइल पे यूज होता है वो वाला केबल इसके माइक्रोफोन पे अटैच करना है। और इसकी एक तरफ पिन में ये फिजिकल कनेक्टिविटी पूरी हो गई। अब हम चलते हैं लैपटॉप की। अब देखिए, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ऑडेसिटी आ गई है, इसे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप सबसे पहले अपने साउंड हार्डवेयर को सेटअप कर लीजिए। इसके लिए आपके पास अगर विंडोज 7, 10 या 8.1 या 8 जो भी हो, आप यहाँ पे स्टार्ट पे जाइए और यहाँ टाइप कीजिए साउंड। ये देखिए, साउंड पे क्लिक करने के बाद ये जो साउंड लिखा है इस पर आप क्लिक कर लीजिए। साउंड पे क्लिक करने के बाद ऐसे विंडोज ओपन हो जाएगी। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और ऑडियो अडाप्टर आपने लगाए हुए हैं तो यहाँ पे आएगा स्पीकर टू USB करके। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो ये सिंपल स्पीकर ही रहेगा। तो आपको रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ रिकॉर्डिंग पे जाइए, और यहाँ है माइक्रोफोन, और ये माइक्रोफोन ये है USB माइक्रोफोन जो हम एक्सटर्नल कनेक्ट किए हैं, और ये जो पहले से लैपटॉप पे दिया या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दिया होता है। तो अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और आपके पास अलग से USB अडाप्टर है तो इस पर आप डबल क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ऐसा विंडोज ओपन हो जाएगा, ये साइड लिसन पे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ लिसन टू दिस डिवाइस को टिक कर दीजिए, और यहाँ प्ले बैक थ्रू दिस डिवाइस में आप अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपने ऑडियो अडाप्टर लगाया हुआ है तो ये USB वाला सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहाँ सॉफ्टवेयर की सेटिंग, इसके लिए आप ऑडेसिटी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ एडिट पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में ये साउंड एक्टिवेट रिकॉर्डिंग इनेबल कर दीजिए, और ये दोनों प्ले थ्रू इनेबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ ओके कर लीजिए। उसके बाद यहाँ ऊपर देखिए, अगर आपने माइक्रोफोन में अडाप्टर लगाया है तो यहाँ USB सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ स्पीकर में आपको लाइव सुनने के लिए यहाँ स्पीकर सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको
लैपटॉप या डेस्कटॉप के बॉक्स पर भी सुनाई देगा स्पीकर पे, और आपको अलग से हेडफोन पे भी लाइव सुनाई देगा। उसके बाद यहाँ आप रेड जो रिकॉर्डिंग के बटन है इसको ओके कर लीजिए। इसके बाद ये रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। उसके बाद रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बाद यहाँ आप स्टॉप बटन पर क्लिक कर लीजिए। स्टॉप बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ इफेक्ट में एडिट कर सकते हैं, इसके नॉइस वगैरह आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, नॉइस रिडक्शन वगैरह, और कोई भी इफेक्ट इको वगैरह आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद सब होने के बाद यहाँ फाइल में क्लिक कर लीजिए, यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करिए और एक्सपोर्ट अस WAV या MP3 आप किसी भी में आप इस रिकॉर्ड किए हुए सॉन्ग को सेव कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।